हाँ मैं बॉलिंग भी कर रहा तो होता हूँ, तो बॉलिंग की टेक्निक्स मुझे भी बता दीजिए और अपने फैंस को भी बता दीजिए। टेक्निक्स में क्या मतलब फॉर एग्जांपल कि आप ग्रिप, अगर फॉर किस बारे में जैसे सोच हम जैसे मैंने हमें तो बस ऐसी सुना था, जैसे बॉल की एक ग्रिप होती है। अब आउट स्विंग के लिए हम बचपन में हमने सुना था कि बॉल ए फिंगर बाहर रख दे और अगर आप सीधा फेंकते हैं तो बॉल जाती है। मैं रिस्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सीधे सीधे एंगल मोस्टली सीम से स्विंग करने के लिए। मेरा जो होता है, हाँ मेरा तो जो होता है, ये जैसे आपने थंब रखा, मेरा थंब की पोजीशन ये होती है, ठीक है, ये मैंने ये रख ली थंब की प्रैक्टिस। ठीक है ठीक है। ठीक है, और जब मैंने लेफ्टी को बाहर निकालना होता है, तो मैं इस जो मिडल ठीक है। फिंगर है इसको टाइट रखता हूँ, अच्छा अच्छा क्योंकि इवन हाँ मैं आपके, हाँ मैं आपके लेफ्ट के लिहाज से ही बात करता हूँ। अच्छा, लेफ्टी को बाहर निकालना है तो कौन सी मैं फिंगर इस बताइए? मिडल, जो मेरी मिडल फिंगर है इसके साइड, ओके ये तो ओके ठीक ये है ना मिडल वाली, इसकी है। ये जो फिंगर है ये हाँ वाली, जी, ये वाली फिंगर, ये इसको मैं वाली थोड़ा फिंगर। टाइट रखूँ, क्योंकि रिस्ट के साथ ऐसे पुश करना होता है मैंने, ओके ओके क्योंकि ओके ठीक है। इसका इन दोनों का और ये रिस्ट का सारा कनेक्शन होता ओके ठीक है, समझ गया। है। बल्कि ठीक ये बॉल आ गया मेरे पास, ये है, ओ देखिए, वेरी गुड ये मेरे पास वेरी बॉल आ गुड, गया, ठीक है। ये मेरी, अच्छा ये आमिर, आपने राइट हैंड लेफ्टी में के पकड़ी लिए है बॉल इस मेरी वक्त? लेफ्ट आपने हैंड पे, राइट हैंड, ये मेरे लेफ्ट लेफ्ट हैंड हैंड में। पे, अच्छा मुझे क्योंकि स्क्रीन पे ना राइट नजर आ रहा है इसलिए मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। वो चल मैं उल्टा भी, उल्टा नजर आएगा आपको, आपको उल्टा हाँ नजर, हाँ जी, ये हमने, ये मैं राइट देखिए, में पकड़ लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं मोस्टली मिडल वाली को और इसको, मिडिल वाली को। हाँ ये मेरा कॉम्बिनेशन होता है, और ये रिस्ट पोजीशन मेरी यूं होती है, ये देखिए हल्की सी शेप में होती है इस तरफ, जैसे स्लिप की तरफ होता है ना, आप राइट हैंड इमेजिन करें कि आपकी फर्स्ट स्लिप खड़ी है, राइट हैंड इमेजिन ठीक करें है आप, ठीक राइट है, राइट आर्म बॉलर है, तो मेरी रिस्ट हल्की सी जब लेफ्टी खेल रहा है तो हाँ मेरी सही है, फर्स्ट स्लिप की तरफ उसकी उसकी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरा फिनिश ऐसे ही हो, ऐसे एंगल से, जिस एंगल में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और ठीक है ठीक अगर है ठीक मैंने है ठीक बाहर निकालना है और रिस्ट मेरी यूं लग रही है तो बाहर बॉल निकलेगा नहीं, वो एंगल से ऐसे चला जाएगा। है, ओके लेकिन ठीक है, इसका भी बहुत रोल होता है, इस फिंगर का और इस थंब का, ये जो फिंगर ओके है लेफ्टी के लिए, ठीक और है। जब मैंने आउट स्विंग करना होता है राइटी को, तो फिर ये मेरा थंब जो है ये बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाता है, और ओके हल्का सा बॉल को स्क्रैम्बल पकड़ता हूँ, सीधा नहीं पकड़ता, हल्का सा ऐसे राइटी की फर्स्ट स्लिप की तरफ कर लेता हूँ, आ सही है ठीक ठीक है, फिर है ठीक है। इस मिडल फिंगर की बजाय इस वाली फिंगर का काम हो जाता है, फिर ये ऐसे जाता है, ऐसे, ओके ये देखे बॉल का जो शेप भी है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ, अगर राइट ही खेल रहा है तो ये यूं जा रहा ठीक है, है, इसका फिर ज्यादा रोल आ जाता है। फिंगर ठीक है ठीक है ठीक है। यार ये तो बड़ी टेक्निक्स की बात है, हम तो सिर्फ ऊपर वाली फिंगर को समझते थे, हमें क्या पता नीचे भी होता है।